हमीरपुर के बसअड्डा परिसर में नारी को नमन कार्यक्रम के तहत बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने शिरकत की। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा, कौशल विकास निगम समन्वयक नवीन शर्मा, डीडीएम विवेक लखनपाल के अलावा काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। इस अवसर पर महिलाओं को सरकारी बसों में 50% छूट देने के निर्णय को लागू करने पर मंत्री सरवीन चौधरी ने सराहनीय फैसला करार दिया। इस अवसर पर धर्मशाला में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण देखा गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या का 50% हिस्सा महिलाओं का है और महिलाओं को सम्मान देने की दिशा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अप्रैल 2022 को HRTC की बसों में किराए की छूट की घोषणा की थी, जिसे आज जमली जामा पहनाया गया है। सरकार के निर्णय पर आ रहे बयानों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि सरकार के कामों को लेकर कोई राजनीतिक दल क्या कह रहा है इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन सुविधाओं को सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में की जो जनसंख्या है उसका तकरीबन 50% हिस्सा जो है वो महिलाओं का है, तो महिलाओं को सम्मान देने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल 2022 को जिस तरीके के साथ HRT की बसेस में 50% किराए की छूट की बात की घोषणा जो है वो 15 अप्रैल 2022 को हिमाचल प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस के ऊपर की थी, उसी बात को मुख्यमंत्री जी की इसी घोषणा को अमल में लाने के लिए और महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम और बढ़ते हुए महिलाओं को नमन करते हुए जिस सुंदर तरीके के साथ HRTC की बसेस में साधारण किराए के ऊपर हिमाचल के अंदर ही 50% किराए की छूट देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी को जो थी वो 30 जून 2022 को मध्य रात्रि में वो लागू हो जाएगी और तब से लेके महिलाओं को ये किराए में छूट जो है वो दी जाएगी। उसी के उपलक्ष्य में हिमाचल की महिलाएं जो हैं प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के स्वरूप जगह जगह पर इकट्ठे होकर आज इसको जश्न के रूप में मना रहे हैं और मध्य रात्रि 30 जून से इसको लागू हो जाएगा। वहीं गुड़िया कांड के एविज में आ रहे बयानों पर कहा कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने बेहतर काम किया है, लेकिन इस बारे में बिना वजह से बयानबाजी की जा रही है। गुड़िया कांड के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई, मुख्यमंत्री जी ने उस समय हेल्पलाइन शुरू की, संवेदनशीलता के साथ महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए गुड़िया हेल्पलाइन है, गुड़िया बोर्ड बना है और उसमें महिलाओं के हक सुरक्षित हैं और उसी लाइन के ऊपर हमारी सरकार ने एक बोर्ड गठित करके उसका चेयरमैन जो है वो बनाया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।